हर एक वीडियो से। ये वीडियो थोड़ा सा खास है, आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और लास्ट पार्ट में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, तो आप चाहे तो पूरा पार्ट देख सकते हो, और कंपल्सरी लास्ट पार्ट को देखना तो अच्छा लगेगा, और बस देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या किया मैंने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मंडे है और मंडे 3:55 पे मैंने लॉग इन किया, मतलब 4 बजे के आसपास, और साथ ही साथ मेरा पहला ऑर्डर भी असाइन हो गया और लोकेशन में भी पहुंच गया। ये रेस्टोरेंट है तो यहीं पे ऑर्डर है। और दोस्तों आज 11 बजे से 12 बजे से 2 से 3 यह तक गिग्स था, लेकिन मैंने वो कंप्लीट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड हो गया था। पिछले हफ्ते पूरा मेहनत किया, 12 घंटा करके 10 घंटा करके काम किया था, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट के मूड में था, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। तो मेरा बात ये है कि जैसे कि मैंने कर रहा हूँ, तो पूरा हफ्ता बहुत मेहनत किया, तो आज जगह थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। तो ऐसा कई बंदा करता है, बहुत सारा बंदा है जो लोग ऐसा सेम प्रोसेस करता है, थोड़ा लेट में निकलता है कि छुट्टी कर देता है। तो सोमवार को, मतलब वीकली मतलब जो स्टार्ट होता है सोमवार, तो उस दिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलने का चांस है क्योंकि राइडर बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं जो लोग भी पहले ज्वाइनिंग कर रहा है, तो भाई मंडे कंपलसरी ड्यूटी करना है क्योंकि मंडे ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, राइडर्स कम रहेगा और पैसा भी थोड़ा अच्छा अर्निंग होगा। ठीक है, मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं भी जैसे कि बोला रेस्ट के मूड में था, तो बस वही रेस्ट लेने के लिए मैंने आज इतना तक काम नहीं किया। तो चलिए इसको पिकअप कर लेता हूँ ऑर्डर को, और ये ऑर्डर के साथ साथ दिखाता हूँ कितना अर्निंग होता है नहीं होता है। और ये पहला ऑर्डर है दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आया, और आप देख सकते हैं एक ऑर्डर असाइन भी है इधर। ठीक है, और पहले तो ये चलता है स्क्रीन पर, देख सकते हो मैंने अभी गिग्स बुक करने वाला था, लेकिन अभी तक बुक नहीं किया और अभी तक 0-0 है, कुछ भी ऑर्डर नहीं है। 7 मिनट लॉग इन हो गया। ठीक है, और प्रोग्रेस चल रहा है, और अभी 16:03, मतलब 4:03 हो गया, कोई भी अर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली सब 0-0 है। तो ये पहला ऑर्डर है, पहला ऑर्डर के साथ देखता हूँ कितना आता है, और उसके साथ अब आज का अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में मैंने पहले गिग्स बुक कर लेता हूँ, क्योंकि गिग्स बुक करना बहुत ज़रूरी है, और ये आज फ्राइडे का गिग्स है, तो सिंपली मैं फ्राइडे के लिए बुक कर लेता हूँ पहले। इसमें जैसे कि मैंने काम करता हूँ वैसे ही बुक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम में मैं काम करूँगा उसी उसी टाइम का मैंने बुक कर लिया ऑलरेडी, देखता हूँ। और ये गिग्स ये भी मैंने बुक कर लिया, तो 9 गिग्स मैंने बुक कर दिया। मैं हो सकता है इसके अंदर 1-2 गिग्स कैंसिल भी कर दूँ, लेकिन मैंने बुक पहले से कर लिया, और 1 हफ्ते का पूरा गिग्स मैंने बुक कर लिया, आप देख सकते हो। तो देखता हूँ दोस्तों, अभी तक तो 0-0, कुछ भी टाइम कुछ भी पैसा नहीं हुआ, तो इस ऑर्डर से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया, तो अभी जल्दी चलता हूँ अपना ड्रॉप लोकेशन पे और देखता हूँ कितने मिलता है। दोस्तों बहुत जल्दी बहुत फास्ट ड्रॉप लोकेशन में भी पहुँच गया, और कस्टमर को कॉल भी कर दिया, 2 मिनट में वेट करने के लिए बोला, और बस 2 मिनट वेट करता हूँ और इसको डिलीवरी करता हूँ। इसमें शायद ही 26 रुपीज़ हो रहा था, देखता हूँ कितना मिलता है। 26 रुपीज़ में दोस्तों थोड़ा कॉल आ गया था, और कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी भी कर दिया। तो अभी स्क्रीन पर चलता हूँ, स्लाइड मारता हूँ, देखता हूँ कितना मिलता है। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और ऑर्डर डिलीवर हो गया जैसे कि, तो मैं रेटिंग दे देता हूँ और देखता हूँ कितना मिलता है। ओके दोस्तों देखता हूँ अभी, ओके 26 रुपीज़ जैसा बोला तो वैसे ही मिला। ठीक है, पहला ऑर्डर के साथ अच्छा ही है, चलता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, देखता हूँ कब तक मिलता है। दोस्तों अभी 1-20 रुपये का ऑर्डर आया, और वो आया मेनमॉल के अंदर, तो जा रहा हूँ मेनमॉल, और आज तो एक चिट्ठी भी नहीं मिलेगा उधर। कल जैसे संडे था, पूरा भीड़ था, इतना भीड़ उधर से गुजरने बहुत मुश्किल था, लेकिन आज पूरा खाली रहेगा। ठीक है, तो चलता हूँ और जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट करता हूँ। 20 रुपये का ऑर्डर है, मतलब बहुत ही नज़दीक है, और ऊपर से मैंने लोकेशन ऑलरेडी चेक कर लिया, 520 मीटर का है। तो अभी एक ऑर्डर आया मेरे को, और ये ऑर्डर थोड़ा मजाक सा जैसा है, आप पीछे देख सकते हो निकिस, तो वहीं पे मेरे को एक ऑर्डर मिला, और ऑर्डर को डिलीवरी करना है, इसका पीछे वाली बिल्डिंग है ओ वाला बिल्डिंग में। ठीक है, इतना नज़दीक में जाना है एक ही जगह पे, मतलब एक ही अपार्टमेंट के अंदर, और इसमें 20 रुपीज़ ही छोड़ रहा था। मैं पैदल जाके भी देखे आ सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग के साथ साथ ये एक ही जगह पर, मतलब एक ही एरिया का है, तो इतना नज़दीक में भी ऑर्डर मिलता है। ये तो 50 मीटर के आसपास है, तो बस ये ऑर्डर रेडी होने में 10 मिनट लगेगा बोला, तो वही टाइम जा रहा है और कुछ नहीं। दोस्तों आज ज़्यादा गिग्स पर काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कम गिग्स पर काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसा जितना आया बहुत ही अच्छा है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, और मेहनत भी थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि धूप में आज नहीं निकला था, आज छाँव में ही निकला था। जैसे कि 4 बजे निकला तो उस टाइम थोड़ा बहुत छाँव आ जाता है,
तो काफ़ी अच्छा रनिंग हो गया है। और ऑर्डर्स तो इतना ज़्यादा आ रहा था कि इतना जल्दी इतना सारा ऑर्डर कर पाऊँगा तो मैं सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी सारा ऑर्डर कर दिया, अर्निंग भी सही हो रहा है। और अभी एक घंटे का गिग्स है, एक घंटा मतलब अभी 40 मिनट का गिग्स है, तो देखता हूँ कितना मिलता है। एक दो ऑर्डर, एक ऑर्डर तो कंपलसरी मिल जाएगा, तो बस उसी ऑर्डर के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। और इस और इतना टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतना जल्दी जल्दी ऑर्डर आ रहा था कि मैंने हैंडल ही नहीं कर पाया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन पर चलता हुआ और दिखाता हूँ कितना सारा ऑर्डर किया, कितना अर्निंग हो गया। तो दोस्तों अभी देख सकते हो स्क्रीन पर 15 ऑर्डर कंप्लीट किया है, और टोटल जो टाइमिंग है वो 6 घंटा 19 मिनट है। और टोटल जो अर्निंग है अब दोस्तों देख सकते हो 406 रुपया, मतलब 406 रुपया मतलब 6 घंटे में काफ़ी अच्छा अर्निंग है। पार्ट टाइम के हिसाब से तो बेस्ट अर्निंग बता सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों साथ ही साथ एक ऑर्डर भी असाइन हो गया, मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। और साथ ही साथ मैंने और एक ऑर्डर भी करने का ट्राई करूँगा, तो चलिए इसको पहले कम्प्लीट करता हूँ। दोस्तों अभी जो ऑर्डर असाइन हुआ था उसका पिकअप लोकेशन पर पहुँच गया, लेकिन ऑर्डर भी अभी जस्ट रेडी हो गया, तो नोटिफिकेशन आ गया, मैं चलता हूँ उसको पिकअप कर दो, डिलीवर कर दो। उसके साथ उसके बाद थोड़ा बात भी करना है। तो जो बात बोलने जा रहा था कि आज का ड्यूटी अच्छा, इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि आज मैंने पेट्रोल ही नहीं डाला, क्योंकि संडे मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डाला था और संडे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिला, 22 ऑर्डर्स मिला था, तो मेरा 200 रुपये का पेट्रोल का थोड़ा सा ही खत्म हुआ। तो उसी पेट्रोल से आज का पूरा जैसे कि ड्यूटी खत्म होने वाला है, तो कंप्लीट हो गया है। और कल भी थोड़ा बहुत चल सकता है, और अर्निंग भी कल जैसे कि मैं 10 साढ़े 10 घंटा काम किया था, लेकिन जो अर्निंग है वो 760 रुपये हुआ था। लेकिन आज मैंने काम किया 6 घंटे 30 मिनट के आसपास, तो उससे मिल गया मुझे 440 रुपये, मतलब कल से बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा पहले दिन से मतलब कंपेयर करता हूँ कि कल कैसा हुआ था आज कैसा हो रहा है, ठीक है। तो कल के हिसाब से आज बहुत ही अच्छा है। संडे मतलब बोलने के लिए संडे होता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, और अभी तो बस संडे छोड़ के ही अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए और एक ऑर्डर मिलने का चांस है, ये ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया और एक ऑर्डर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी रात 10:38 हो गया, और अभी मैंने आया सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है और काम के बीच बीच में सब कुछ ख़रीदना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था, भाई आप कैसे मैनेज करते हो, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अकेला रहता हूँ और अकेला रहने से बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब देख सकते हो ये सब्ज़ी मार्केट है, और ये लो दुकानदार था भाई। तो जैसा कि पिछले हफ्ता बहुत मेहनत किया, तो आज सोमवार था, सोचा था आज थोड़ा काम कम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच में कॉल आ गया था, जिसके लिए बातचीत काट हो गया। तो अभी क्या है, आज थोड़ा रेस्ट के मूड में था, तो जिसके लिए सिर्फ चावल बनाया, सब्जी कुछ भी नहीं बनाया था। और अभी आया, अब देख सकते हो मैं इसी दुकान से ज़्यादा खाना ख़रीदता हूँ, तो इसी दुकान में आया दाल के लिए। तो मेरे लिए चावल और दाल बहुत अच्छा लगता है, तो बस अभी बोला है कि 20 रुपये का दाल चाहिए मेरे को, बोला ठीक है मिल जाएगा। तो अभी आया दाल लेने के लिए, क्योंकि जब तक मेरा ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा तब तक ये दुकान भी बंद हो जाएगा, तो शायद नहीं मिलेगा, इसीलिए पहले आ गया। तो जल्दी जल्दी इसको ले लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गया, और भाई साहब ने बोल दिया कि भाई 20 रुपये का दाल नहीं मिलता है, लेकिन आप तो मांग रहे हो मैं कैसे दूँ। मैं बोला ठीक है 20 रुपये का मत दो, 50 रुपये में अगर होगा तो दाल, उसके साथ कुछ सब्ज़ी वगैरह मिल जाएगा तो दे दो। उसके बाद 50 रुपये का दाल और थोड़ा सा सब्ज़ी दे दिया, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा वो लोग भी बोल दिया कि क्यों नहीं देना चाहते, आपको देख के कोई और मांगेगा फिर उसको भी ऐसा देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग नहीं देते हैं सिंगल में। तो आप जैसे मांग रहे हो और दे दिया, चलो ठीक है। अभी चल लूँगा रूम के पास, और एक ऑर्डर तो आने का चांस है। मैं सोचा कि अभी भी ले लेता हूँ, नहीं तो रात ज़्यादा हो जाएगा फिर आने के लिए तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी पैक करके रख दिया। जब रूम जाएंगे ये ऑर्डर ख़त्म करके तब जाके खा लेंगे, बस वही सोच के ले लिया। और आज सिर्फ चावल ही बना पाया था, और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए टाइम नहीं मिला था, जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। और थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी मूड था, क्योंकि पिछले हफ्ता बहुत काम किया ना, थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया था। खाना बनाने के लिए तो ऐसे मन नहीं करता है, लेकिन जब भूख लगता है तब तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ कभी कभी बस। दोस्तों अभी तक आप देख सकते हो अभी टाइम हो गया 10:52, और इसमें टोटल जो अर्निंग है वो 429 रुपये हो गया, और टोटल मैंने ऑर्डर्स किया 16 ऑर्डर्स। और जो टोटल टाइमिंग है आप देख सकते हो 7 घंटा होने ही वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं,
तो अभी रूम के पास जाएंगे, एक ऑर्डर मिलेगा वो मुझे मालूम है, तो देखता हूँ कब तक मिलता है। और टाइम ख़त्म होने के बाद 2 मिनट पहले मिलेगा, तो ऑर्डर करने के बाद शायद ही 50 रुपया हो जाए, 450 रुपया तक ही आज अर्निंग होगा, देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों ये लास्ट ऑर्डर और मिल ही गया, और जब मैं दुकान के पास से गुजर रहा था उसी टाइम में ऑर्डर मिल गया, ठीक है, तो इसको रीच कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल पहुँच गया, जैसे कि मैंने गुजर ही रहा था उसी टाइम, तो अभी 13 मिनट लगेगा। तो अभी भी गाड़ी स्टार्ट है और ये है दुकान, मैंने यहाँ तक पहुँचा तो ऑर्डर लग गया, और ये भी बस पिकअप करना है, मैं इधर आके रीच भी कर दिया, तो चलता हूँ और जल्दी जल्दी इसको पिकअप कर लेता हूँ। दोस्तों लास्ट ऑर्डर लेके कस्टमर के लोकेशन में भी पहुँच गया और कस्टमर को कॉल भी कर दिया, बस वो ले लेंगे और साथ ही साथ मैं अपना रूम में चला जाऊँगा। और एक दोस्त से काफ़ी बातचीत हो गया रेस्टोरेंट के बारे में, तो कैसे कैसे स्टार्ट करने से थोड़ा अच्छा रहेगा, वो सब बातचीत कर रहा था। और बस अभी ये डिलीवरी करता हूँ और चलता हूँ। दोस्तों जैसे कि लास्ट ऑर्डर डिलीवरी हो गया, मतलब हो रहा है, तो देखता हूँ इसमें कितना मिलता है पहले, ठीक है। और तो ऑर्डर्स नहीं आएगा क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो गया, जितना टाइम मेरा ड्यूटी था वो तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें 38 रुपीज़ मिला है। गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ तो मेरा ऑफलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोस्तों। और अभी तक टोटल अर्निंग हो गया 468 रुपया, टोटल जो ऑर्डर्स है वो 17 ऑर्डर्स है, जो टाइम लगा वो 7 घंटा 12 मिनट में, देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मेरा ऑर्डर हो गया डिलीवरी, तो चलता हूँ अभी रूम के पास। दोस्तों अभी अभी जस्ट रूम में पहुँचा, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और अर्निंग तो आप देख ही लिया कितना हुआ ही नहीं है। और अभी मुझे फिर फ्रेश होना है, बस खाना खाना है, क्योंकि टायर्ड हो जाता हूँ बहुत, ये गाड़ी चलाते चलाते बहुत टायर्ड हो जाता हूँ। मैं सोचा था गाड़ी चलाने में इतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन बहुत तकलीफ होता है, सच में बोलता हूँ। हमेशा गाड़ी को फॉलो करके चलना पड़ता है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है और मेहनत भी होता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं होता है, पूरा दिन ऐसे ऐसा वाइब्रेट होता है जाना है, तो बहुत मेहनत होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ तक किया, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे कि मेरा टारगेट था 2000 सब्सक्राइबर उस 15 अगस्त के पहले, तो चल रहा है, आप लोग और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो 100% हो जाएगा, तो और थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो बस सपोर्ट कर देना दोस्तों।